हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है, 841 वैकेंसी है। और आपका जो एग्जाम कंडक्ट होगा फ्रेंड्स, वो कंडक्ट होगा 9 से 10 अप्रैल के बीच में। 9 से 10 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबों से आपको पढ़ना है और कैसे प्रिपरेशन करना है कि आपके अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, जल्दी ही हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कट ऑफ कितना जाता है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के और आपको क्या सेफ स्कोर रखना है कि आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको सब तरह के वीडियोस मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में वो भी वीडियो मिलेंगे और साथ ही साथ एलपीटी क्या होता है उसकी भी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेस्ट बुक क्या है, किसके माध्यम से हमें तैयारी करनी चाहिए कि अच्छे मार्क्स आपके आ सके। तो उसके पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो एग्जाम है आपका 120 क्वेश्चन का एग्जाम है जिसमें 120 मार्क्स आपका निर्धारित है। ठीक है, जिसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाएगा। कितना मिनट? 90 मिनट दिया जाएगा। 4 सेक्शन में डिवाइड है। पहला आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस, तीसरा आपका रीजनिंग और चौथा आपका इंग्लिश है। ठीक है, सब 30-30 मार्क्स के सेक्शन है, 30-30 क्वेश्चन, 30-30 मार्क्स के। कुल मिला के 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 90 मिनट निर्धारित है। चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, कौन कौन सी किताबें बेस्ट है, आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2021 के बारे में। हम लोग बात करेंगे बेस्ट बुक्स, बेस्ट बुक क्या है। अगर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के सेक्शंस पे, तो देखिए रेन एंड मार्टिन का आता है, आपका एसचन का किताब आता है, उसे आप प्रेफर कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसके माध्यम से। एसचन का किताब आप खरीद लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का एक किताब आता है एसचन का और आरएस अग्रवाल का, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट बुक है। आपके पास करीबन 1.5 महीना 2 महीना है, इसमें स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें आपको वोकैब सही करना है, वर्ड पावर को बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में अगर अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो आपको आपके वोकैब अच्छे होने चाहिए, आपके वर्ड पावर अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी करते हैं ना, इंग्लिश की न्यूज़पेपर रीडिंग, तो बहुत सारे ग्रामर के ऐसे सेंटेंस होंगे ना, सिर्फ आपको लगेगा नहीं यहाँ कुछ गलती है। आप जब डेली पढ़िएगा ना, तो आपको सेंटेंस को सिर्फ पढ़ने पर पता चलेगा ना यहाँ पे गलती है। ठीक है, जो कि कहते हैं ना करेक्शन एरर जो रहता है ना, आपको एरर में सुधार करना रहता है ना, वो बताना रहता है। ठीक है, नो एरर क्वेश्चंस रहता है। तो वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल लेविस का एक किताब है, इसे भी आप खरीद सकते हैं, आपके वर्ड वोकैब जो है ना अच्छे हो जाएंगे इसके माध्यम से। नेक्स्ट अगर बात करें रीजनिंग का, बात करें तो रीजनिंग में आपका सेक्शन होता है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, जिसके लिए आपका बेस्ट बुक आपका आरएस अग्रवाल है। आरएस अग्रवाल का किताब जो है वर्बल नॉन वर्बल के लिए बेस्ट है, आप इस बुक को खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चंस भी लाएंगे आपके वीकली और डेली बेसिस का, आप उसे भी बनाइएगा, प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे ना। पहले ये आपको बुक्स के बारे में बता दे रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स है। दूसरा अगर बात करें लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, एके गुप्ता आरपीएच पब्लिकेशन का किताब आता है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं, वेरी बेस्ट बुक है। पहले एक परचेज कीजिए, उसे बना के खत्म कीजिए। ठीक है, खत्म नहीं करना है आपको, मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है, उसी चैप्टर को फोकस कीजिए, आपके नंबर ज्यादा अच्छा आ पाएंगे और जो सेट्स लाऊंगा उसी को बनाइए, आपके मार्क्स बेहतर हो पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो कि बात करें तो ये भी आपका एसचन का आता है, आरएस अग्रवाल, बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, बेसिक से समझाया हुआ है, बहुत ही बेसिक विद ट्रिक्स है। ठीक है ना, तो आरएस अग्रवाल अगर खरीद लेते हैं एसचन का, और उम्मीद करता हूं आप सभी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास आरएस अग्रवाल ऑब्जेक्टिव का तो बुक होगा ही, उसे ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक के लिए, तो आपके पास अरिहंत पब्लिकेशन का या राजेश वर्मा का कोई भी एक किताब खरीद लीजिए, बेस्ट बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। नेक्स्ट बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपका सेवरल चैप्टर्स है, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे आते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे आते हैं, इकोनॉमिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट बुक आपका है लूसेंट। लूसेंट तो जितने भी विद्यार्थी है ना सबके पास होगा। लूसेंट मीन्स क्या होता है, एक तरह का सार हो गया, सार संग्रह, जो इंपॉर्टेंट आपका ये होता है ना पॉइंट्स होता है जो एग्जाम में पूछे आते हैं, वही पॉइंट्स पे फोकस रहता है लूसेंट का किताब जो है, उसी पॉइंट पे फोकस है। तो आपको लूसेंट जनरल जो है उसे खरीद लेना है, लूसेंट पब्लिकेशन का, संजीव कुमार और 3 राइटर है उनका आता है। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस को आपको पढ़ना होगा, बैंकिंग अवेयरनेस को, ज्यादा इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं जाएगा, एब्रीविएशन जो आता है ना उसको पढ़िएगा, जैसे आरटीजीएस क्या होता है,
इस तरह से MICR क्या होता है, MICR कोड क्या होता है आपका, इस तरीके से एब्रीविएशन आता है, सिंपल भी आ सकता है, CPU क्या होता है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपसे बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ना, ये सब आपको पढ़ना होगा, बैंक रेट क्या होता है, ये सब पढ़िए। आपसे RBI से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे RBI का पूछेगा कि स्थापना कब हुआ था, आपको पता होने चाहिए 1 अप्रैल 1935 RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे आते हैं, पूछ सकता है कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है और कैवे नंबर के गवर्नर है, तो आपको जानना होगा ना RBI के गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है और 25वें नंबर के गवर्नर है, तो RBI से संबंधित भी, क्योंकि आपका जो वैकेंसी निकला है ना RBI से संबंधित है, इसलिए RBI के भी नॉलेज होने चाहिए, बैंकिंग का हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी होना चाहिए, एब्रीविएशन भी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें करेंट अफेयर्स का, तो करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। देखिए बैंकिंग गवर्नेंस के लिए ना एक किताब है अरिहंत पब्लिकेशन का, उसे आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस के चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या क्या आ सकते हैं, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर बात करें करेंट अफेयर्स का, तो 5 से 6 महीने के करेंट अफेयर्स को आपको देखना है। अगर 5 से 6 महीना करंट अफेयर्स हो जाता है तो आप किसी भी मैगजीन को उठाइए, वन मंथ मैगजीन जो होता है ना उसे उठाइए, जो थोड़ा बैंकिंग के टर्म्स में हो ना उसे उठाइए। आप BSE के मैगजीन को ले सकते हैं, आपका चाहे तो आप ना वीडियो से सेवरल वीडियो से उससे पढ़ सकते हैं, एडिटेरिया के मैगजीन को देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आप 5 से 6 महीने के, और डेली वीडियोस को तो देखना ही है, डेली करंट अफेयर्स को देखना है। तो फ्रेंड्स ये सब किताब है जिसके माध्यम से आप अच्छे मार्क्स 120 में 110 प्लस भी आप नंबर स्कोर कर सकते हैं और आपका पक्का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमसे जुड़े रहने के लिए आप कॉम्पिटिटिव गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम डेट आ चुका है, तैयारी में लग जाइए, अभी जाइए किताब खरीदिए, हमारा चैनल आपको पढ़ाएगा, आपके साथ सपोर्ट में है, आपको हमेशा तैयारी में लगा रहेगा, ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप RBI ऑफिस अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पल पल की जानकारी हमारे चैनल से आपको आपको मिलेगी। धन्यवाद।